पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना के बाद गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू। गया कैमूर सहित 151 बूथों पर सैटेलाइट फोन लगाने का निर्देश। इलेक्शन कमीशन ने भेजी चिट्ठी। मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक और आधार से होगा वोटरों का सत्यापन। और दूसरी ओर बिहार प्रत्याशी की बेटे की मुखिया प्रत्याशी बिहार में मुखिया प्रत्याशी के बेटे की शर्मनाक हरकत। लड़की का फोटो किया वायरल। मां ने लगाई न्याय की गुहार। चुनाव जीतने के लिए अश्लील वीडियो किया वायरल। अब हम बात करते हैं कि पढ़े लिखे युवाओं को चुनावी मैदान में आने से पुराने प्रतिनिधियों की बड़ी मुश्किलें। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार दिखेगा रस्सा कसी जबरदस्त नजारा। मैदान में उतरे डिग्री वाले उम्मीदवार। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र के इस अंक में आप देख रहे हैं चुनाव बुलेटिन। तो ये थी आज की चुनावी सुर्खियां। अब डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से नजर। तो अभी अभी हम कर सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई हो रही है बाधित क्योंकि विद्यालय के शिक्षकों को लगाया गया है चुनावी कार्य में। राज्य में पंचायत चुनाव में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की तैनाती से बच्चों की पढ़ाई पर व्यापक असर पड़ रहा है। मंगलवार से सैकड़ों शिक्षक चुनावी प्रशिक्षण में चले गए हैं। यह सिलसिला पंचायत चुनाव संपन्न होने तक चलेगा। इससे जिस विद्यालय में एक या दो शिक्षक ही हैं वह विद्यालय बिल्कुल बंद होने की कगार पे है। और जब हम बात करें कि तीसरे चरण के चुनाव को लेकर 22 सितंबर तक नामांकन पत्र किए जाएंगे दाखिल। 25 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 27 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। 27 सितंबर को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। 8 अक्टूबर को मतदान के बाद प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम और मत पेटी में बंद हो जाएंगे। तीसरे चरण के मतदान का परिणाम की घोषणा 10 से 11 अक्टूबर तक हो जाएगी। तो हम विस्तार से सारे खबरों पर नजर डालते हैं दोस्तों, लेकिन आप लोगों से ही गुजारिश है कि चुनाव बुलेटिन देखने के लिए प्रतिदिन चुनाव से संबंधित, पंचायत चुनाव संबंधित सारी खबरों आपके सामने, चुनिंदा खबरों को आपके सामने रखने वाला हूं। और आप सही गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। वहीं दूसरी ओर आपसे यह भी गुजारिश करेंगे कि अगर इस तरह के खबरों से आप जुड़ना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, हम अब आगे चलते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने और कौन कौन सी तीसरे चरण के मतदान शुरू होने से पहले कौन कौन सी घोषणा की है। तो पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों से कम्युनिकेशन बनाए रखना भी आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं अगर हम बात करें कि पहली बार वोटिंग के दौरान बायोमेट्रिक का इस्तेमाल होगा। बोगस वोटिंग रोकने के लिए आयोग ने यह तैयारी की है। बायोमेट्रिक से एक बार जिस वोटरों की पहचान की जाएगी दोबारा उनके बदले वोट नहीं डाले जाएंगे। और तीसरे चरण का नामांकन जैसा कि पता है आज गुरुवार से शुरू हो गया है। नामांकन के दौरान अधिकतम एक वाहन ही ले जाने की अनुमति है। नामांकन के समय अभ्यर्थी के साथ एक प्रस्तावक ही जा सकेंगे। चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के लिए ईवीएम से वोटिंग होगी। वही ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच के लिए मत पेटी से मत पत्र द्वारा वोट दिया जाएगा। मतदान चुके दलीय आधार पर नहीं है, लिहाजा अगर कोई प्रत्याशी किसी दल के झंडा बैनर का उपयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इधर हम बात करें कि बिहार पंचायत चुनाव में गया कैमूर सहित 151 बूथों पर सैटेलाइट फोन लगाने का निर्देश दिया गया है। पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान की तैयारी शुरू हो गई थी। इधर राज्य के 8 जिलों के 151 बूथों की पहचान कम्युनिकेशन शैडो जोन के रूप में की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण, गया, मधुबनी, किशनगंज,
बांका और जमुई के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह अविलंब कम्युनिकेशन शैडो जोन तहत के तहत नेटवर्क बहाल करना सुनिश्चित करे। आयोग ने निर्देश दिया है कि ऐसे क्षेत्र की कम्युनिकेशन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वायरलेस सेट या सैटेलाइट फोन की व्यवस्था की जाए, एयरटेल नेटवर्क की जानकारी ली जाए, साथ ही बीएसएनएल के साथ बैठक कर नेटवर्क को ठीक करने की आवश्यक निर्देश दिया जा रहा है। और बिहार पंचायत चुनाव में इस बार दिखेगा रस्साकसी का जबरदस्त नजारा, मैदान में उतरे डिग्री वाले उम्मीदवार। असल में युवा और उच्च डिग्रीधारी उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में उतर जाने के बाद से सारा नजारा बदला बदला दिख रहा है। जो अपने आप को चुनावी महापंडित समझते थे और चुनावी बाहुबली समझते थे, पढ़े लिखे नौजवानों के सामने पानी मांग रहे हैं। ऐसे प्रत्याशी न सिर्फ चुनाव के समय बल्कि चुनाव की सुगबुगाहट से काफी पहले ही पंचायतों में रुककर और ठहर कर पंचायत वासियों के दिलों में अपनी जगह बनाना शुरू कर चुके थे। यह कोरोना काल में ऐसे उम्मीदवारों के लिए एक अवसर साबित हुआ। कोविड के कारण सारे लोग लॉकडाउन में घर आ गए थे, चुनाव की तैयारी में पढ़े लिखे नौजवान लग गए थे, दूसरे प्रदेशों में रहकर जीविकोपार्जन कर रहे थे, और ऐसे युवा के चुनाव मैदान में आ जाने से के कारण जो चुनाव का जो नजारा है बिल्कुल बदला बदला सा दिख रहा है। अब विकास की बातें हो रही है चुनाव चुनाव के मैदान में, ग्राम के दलानों में, गांव के दलानों में विकास की बात हो रही है। वहीं बांका से एक बड़ी खबर आ रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता उल्लंघन में मंगलवार को एक जिला परिषद अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी जो है वहां के थाना अध्यक्ष शंभू नाथ यादव ने देते हुए बताया कि अभ्यर्थी गोपाल शर्मा नामांकन के बाद बगैर अनुमति के चुनावी सभा का आयोजन किया था। इसे लेकर आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज थी। इसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थी की तलाश की, जिसे स्क्रूटनी के लिए अनुमंडल कार्यालय जो पहुंचे अभ्यर्थी, जैसे ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। ऐसे प्रत्याशी अगर नियम का कोई उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ यह बहुत बड़ा कार्रवाई है, एक कड़ा संदेश देने का काम प्रशासन कर रही है। वहीं दूसरी ओर औरंगाबाद जिला से भी एक खबर आ रही है। औरंगाबाद जिला के नवीनगर से यह खबर आ रही है कि वहां के एक जिला परिषद प्रत्याशी को प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया है। विस्तार से हम बाद में बताएंगे इस खबर को। और एक बहुत ही शर्मनाक खबर है कि पंचायत चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए मुखिया प्रत्याशी के बेटे ने एक लड़की का अश्लील फोटो वायरल कर दिया है। तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रत्याशी कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसी बीच बगहा का एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मुखिया प्रत्याशी के बेटे ने एक लड़की का आपत्तिजनक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जानकारी के अनुसार धनहा थाना क्षेत्र के डुमरी भगड़ावा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी और पूर्व मुखिया जगदीश यादव के बेटे रोहित यादव ने पड़ोस की लड़की का आपत्तिजनक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। पीड़िता के परिजन इस मामले को लेकर थाना में एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। तो इस तरह की खबरें जो आ रही है जो विचलित करती है पंचायत चुनाव में। दोस्तों इसी तरह से खबरों से में बने रहने के लिए आपसे फिर से गुजारिश कर रहे हैं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर हम बात करते हैं कि पंचायत निर्वाचन को लेकर मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश रहेगा। जो भी चुनाव कर्मी सरकारी सेवा में है, अगर वह उस जिस दिन मतदान रहेगा उस दिन उनका संवैतनिक अवकाश रहेगा, क्योंकि विद्यालयों में ही कहीं कहीं बूथ है और वह, लेकिन उनको वेतन मिलेगा उस दिन, वह अवकाश पर रहेंगे। और दोस्तों हम अगर नजर डालें और तीसरे चरण की ओर, तो अभी हम चर्चा कर लेना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन शैडो जोन की खबर आपको तो मैंने बता दिया था, लेकिन उसी जहां मोबाइल फोन या इंटरनेट का नेटवर्क नहीं है ऐसे शैडो जोन में 80 मतदान केंद्र कैमूर जिला का है। थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि आपको कहाँ कितने मतदान केंद्र जो शैडो जोन में है, तो 80 सबसे ज्यादा कैमूर जिले के। इसके अलावा हम पश्चिम चंपारण में 30,
मतदान केंद्र वही रोहतास में 10, गया में 14, मधुबनी में 5, किशनगंज में 4, बांका में 1, जमुई में 7 मतदान केंद्र सैडो जोन में है, जहां वायरलेस सेट या सेटेलाइट फोन का इंतजाम करने के लिए वहां के जिलाधिकारी को कहा गया है। और दूसरी ओर इस बार मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि BSNL, CSC और जो भी मोबाइल नेटवर्क वहां पर काम करता है उसके साथ बैठक करने का आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया, बैठक करके समस्या का समाधान करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों इस पंचायत बुलेटिन में, आज के पंचायत बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं और बढ़िया रोचक रोचक समाचार के साथ अगले वीडियो में। आपसे यही गुजारिश है, विदा लेते समय कह रहे हैं कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।